Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home and doing your work properly. Students, class 11th history में हम बात करें तो हमारा almost complete revision हो चुका है सभी chapters का. So today we will discuss revision notes of chapter 10 and that is displacing indigenous people, मूल निवासियों का विस्थापन. स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको जो भी वर्क करवाया जा रहा है आप प्रॉपर वे में अपना जो वर्क है वो रेगुलरली कर रहे हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे मूल निवासियों का विस्थापन. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पीपल थे, मूल निवासी थे, उनका जो विस्थापन हुआ था बाय द यूरोपियन पावर्स, किस प्रकार से उन लोगों को उनके स्थान से हटाया गया और जो यूरोपियन पावर थी वो किस प्रकार से आके अपना कह सकते हैं कि जो कैप्चर किए जा रही थी उन स्थानों के ऊपर. इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोपियन पावर्स में मेनली स्पेन और पुर्तगाल, जिन्होंने 17th सेंचुरी के आसपास आकर अपना जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का काम था वो लगभग ख़त्म कर दिया था और नई नई यूरोपियन पावर्स जिसमें कि होलैंड, स्पेन, फ्रांस, ये सारी की सारी पावर्स आ रही थी और कह सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया इनकी तरफ जाकर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रही थी. सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो सोर्सेज होते हैं, हमारे पास स्रोत होते हैं जो हमें इन सारे इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं. तो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल के बारे में जो भी हमें हिस्ट्री में हम आज रीड कर रहे हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो मेनली कहाँ से हम अचीव करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेज की ओरल हिस्ट्री ऑफ नेटिव्स. सबसे पहले जो नेटिव पीपल थे उन्होंने ओरली जो भी बताया वो सारा का सारा हमारा किस में काउंट होता है, वो हमारा काउंट होता है इसमें ओरल हिस्ट्री में. यानी कि ओरली जो भी बताया गया नेटिव पीपल्स के द्वारा वो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में है. सेकंड हम देखेंगे हिस्टोरिकल एंड फिक्शन वर्क रिटन बाय नेटिव. दूसरा हम इसमें देखते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल और फिक्शन वर्क था जो नेटिव पीपल्स ने रिटन किया था वो सारा का सारा वर्क आज हमारे पास सोर्स के रूप में अवेलेबल है. थर्ड हम देखेंगे इसमें गैलरीज एंड म्यूजियम ऑफ नेटिव आर्ट. जो भी गैलरीज हैं हमारी, जो भी हमारे म्यूजियम हैं जो नेटिव आर्ट से रिलेटेड हैं, वो भी हमारे पास एक सोर्स के रूप में हैं जिनसे हमें कह सकते हैं कि उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड लास्ट इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ए बुक Why weren't we told and that is written by Henry Reynolds. Henry Reynolds ने एक बुक लिखी नेटिव पीपल्स के ऊपर और उसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया कि किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नेटिव पीपल थे उनको डिस्प्लेस किया गया उनके स्थानों से. और ये जो बुक हैं इसमें मेनली जब उन्होंने इस बुक को लिखा तो पूरे ही वर्ल्ड को जो हिस्ट्री थी नेटिव पीपल्स की कि किस प्रकार से उन लोगों के ऊपर इतने कह सकते हैं उनका एक्सप्लोइटेशन हुआ, किस प्रकार से उनको उनके स्थानों से दूर भेजा गया, ये सारी की सारी चीज़ें इस बुक के द्वारा पूरे वर्ल्ड को पता चली, वर्ल्ड के सामने आई. तो ये सारे सोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से डिस्प्लेस किया गया था इंडिजिनस पीपल को. और इसमें मेनली हम बात करेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे उनके बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूरोपियन इम्पार्टेशन के बारे में कि जो यूरोपियंस लोग थे वो किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी पावर्स थी जो आ रही थी और साथ में कह सकते हैं कि अपनी पावर्स को स्टैब्लिश कर रही थी. द अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th सेंचुरीज. जब 17th सेंचुरीज का एंड होने लगा था, 18th सेंचुरी की तरफ हम जा रहे थे, तो अमेरिका में जो एम्पायर स्टैब्लिश किया गया था स्पेन के द्वारा और पुर्तगाल के द्वारा, वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेंड करना उसको बंद कर दिया था, उसका विस्तार बंद कर दिया था. क्यों? क्योंकि मेनली इन लोगों ने क्या किया था कि ये लोग एशिया की तरफ और अफ्रीका की तरफ ज़्यादा अपने जो एम्पायर था, कॉलोनी थी, उनको स्टैब्लिश करने में लग गए थे. अब अमेरिका की तरफ से इन दोनों ही पावर्स के हटने के बाद जो और यूरोपियन पावर्स थी वो सारी की सारी यूरोपियन पावर्स आ रही हैं यहाँ पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए. ड्यूरिंग दैट टाइम अदर कंट्रीज लाइक फ्रांस, होलैंड एंड ब्रिटेन बिगिन टू एक्सटेंड ट्रेड एक्टिविटीज़ एंड स्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. अब बात आती है कि और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी दूसरी, जैसे कि फ्रांस है, होलैंड है और साथ में ब्रिटेन कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उनको बढ़ा दिया. यानी कि व्यापार करने की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो उनका काम था उसको बढ़ा दिया. और उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में अपनी कॉलोनीज थी जो वहाँ पर स्टैब्लिश उन्होंने करनी शुरू कर दी थी.
इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे कि आयरलैंड ऑल्सो वॉज वर्चुअली ए कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड जो आयरलैंड था वो क्या था, इंग्लैंड का एक कॉलोनी था। एज द लैंड ओनर्स देयर वर मोस्टली इंग्लिश सेटलर्स, सेटलर्स के बारे में हमने बात की थी कि जो लोग बाहर से आकर बस गए हैं उनको क्या बोला जाता था, सेटलर्स बोला जाता था। और इंग्लिश सेटलर्स किनको बोला जाता, आयरलैंड में बोला जाता था इंग्लिश सेटलर्स, तो बड़े बड़े लैंड ओनर बन चुके थे वहाँ पर अपनी अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश करने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ड्रॉ पीपल टू स्टैब्लिश कॉलोनी। अब मेनली अगर हम बात करें कि ये लोग अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश क्यों कर रहे थे, तो मेनली इनका काम ये था कि प्रॉफिट के लिए, साथ में कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन का और लाभ कमाने के लिए ये लोग वहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स में गए, वहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन्होंने शुरू की और अपनी जो प्रॉफिट के लिए इन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। नेचर ऑफ द कंट्रोल ऑन द कॉलोनीज वेरिएड। अब बात करें कि जो नेटिव पीपल थे वो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रकृति के साथ रहते थे, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। पूरा का पूरा कंट्रोल अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉलोनीज स्टैब्लिश कर दी गई और कह सकते हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा वहाँ पर कैप्चर करने की जो कोशिश थी वो इनके द्वारा की जा रही थी। अब ट्रेडिंग जो कंपनीज थी बिकेम पॉलिटिकल पावर इन साउथ एशिया, डिफीटेड रूलर्स रिटेंडेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब बात करें हम मेनली अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखें तो किस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आई और करीब कह सकते हैं कि 200 ईयर से भी ज़्यादा सालों तक उन्होंने वहाँ पर शासन किया। और जब ये ट्रेडिंग कंपनीज वहाँ पर आती हैं तो कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे क्या करती हैं कि वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश करना शुरू कर देती हैं, राजनीति के ऊपर कह सकते हैं कि कैप्चर करना शुरू कर देती हैं। और इसी प्रकार से ये सारा का सारा जो इनका पावर का जो कह सकते हैं कि कैप्चर करने की सिचुएशन थी वो किसके कारण होती थी कि वहाँ पर बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे उनको ये लोग क्या करते थे कि युद्धों में डिफीट करते और साथ में उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके ऊपर पूरा कैप्चर करके रखते थे। तो यही एक रीज़न है कि जब ये पावर्स वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आ रही हैं, साथ में वहाँ पर धीरे धीरे स्टैब्लिश होते होते उनकी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को कैप्चर कर रही हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको कैप्चर कर रही हैं और धीरे धीरे उनको साइड करके खुद वहाँ पर कह सकते हैं कि रूलिंग करने ये लोग लग जाते थे। और मेनली इनका काम जो होता था वो कलेक्टिव टैक्सेस का होता था, बिल्ड रेलवेज टू मेक ट्रेड इजियर, एक्सवेटेड माइंस एंड एस्टैब्लिश बिग प्लांटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इन कॉलोनीज में ये काम करते हैं कि टैक्स को कलेक्ट करने का काम किया, साथ में रेलवे का जो एक्सपेंशन था उसका काम किया ताकि जो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सिस्टम है वो कह सकते हैं कि बहुत ही इजीली इनके लिए वो सारे के सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएं। साथ में माइंस वगैरह के ऊपर कैप्चर किया इन्होंने और प्लांटेशन का जो काम था ताकि ये अपनी कह सकते हैं कि जो वुड से कह सकते हैं लकड़ियों से जो इनकी पूर्ति होती थी किसी भी चीज़ के लिए वो अपनी कंप्लीट वहाँ पर कर सके। तो मेनली जो रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान कह सकते हैं कि वो सारा का सारा स्टैब्लिश कर रहे थे, पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर रहे थे। और ऐसे भी काम इनके द्वारा किए गए जैसे रेलवे का एक्सपेंशन किया गया, प्लांटेशन का काम किया गया, वो सारा का सारा काम भी इन लोगों के द्वारा अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। अब हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका वॉज डिवाइडेड एज कॉलोनीज अमंग यूरोपियंस। अगर अफ्रीका की सिचुएशन की बात की जाए तो अफ्रीका को जो यूरोपियन पावर्स थी उनमें अलग अलग कह सकते हैं उसके पार्ट्स को अलग अलग कॉलोनीज बना लिया गया था बाय द यूरोपियन पावर्स। चाहे उसमें कोई भी कंट्री हो, सभी ने अफ्रीका में जाकर सभी स्टैब्लिश हुए, सभी ने अफ्रीका को जितने भी यूरोपियन पावर्स थी सभी को अपनी कॉलोनी के रूप में आपस में डिवाइड कर लिया था। तो ये सिचुएशन थी जब यूरोपियंस पावर वहाँ पर आ रही हैं और मेनली कह सकते हैं कि वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, यूरोपियन पावर्स के द्वारा पूरी की पूरी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना, वहाँ से ज़्यादा कह सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो लेने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें मेनली कि जो यूरोपियंस पावर थी उन्होंने अलग अलग जो कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलग अलग कंट्रीज़ को न्यू वर्ल्ड का नाम दिया गया था, नेम्स गिवन बाय यूरोपियंस टू कंट्रीज़ ऑफ द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड जो वर्ड आया है वो किसके लिए मेन यूज़ किया जाता था, जो यूरोपियंस ने
अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके अलग अलग देशों को खोजा और वहाँ पर अपनी जो कॉलोनी थी वो स्टैब्लिश की गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या नाम दिया इन सभी कंट्रीज़ को, न्यू वर्ल्ड का। इसमें मेनली नाम आता है किसका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन सभी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि किस प्रकार से न्यू वर्ल्ड का जो नाम दिया गया था, इनके नाम मेनली जो कंट्रीज़ थे उनको किस प्रकार से पड़े थे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द अमेरिका, फर्स्ट यूज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ अमेरिको वेस्पुकी। अमेरिका की खोज करने वाले अमेरिको वेस्पुकी थे, जिनके नाम पर इस कंट्री का नाम क्या रखा गया था, अमेरिका रखा गया था। और उसमें उनका जो टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1512 तक का। और जब फर्स्ट इसका पब्लिकेशन किया गया ऑफ द ट्रेवलर्स, यानी कि जो पहला ट्रेवलर्स था वहाँ पर जाने वाला अमेरिको वेस्पुकी, तो इन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस को पब्लिकेशन किया उनका, तो इन्होंने उस जगह को क्या नाम दे दिया था, अमेरिका नाम दे दिया गया था। तो इसी प्रकार से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने नाम दिया था न्यू वर्ल्ड का, और उसके जो नाम पड़े किस प्रकार से कौन सी कंट्री का नाम रखा गया, ये सारा इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया, अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर। अब बात करेंगे कनाडा की, कनाडा फ्रॉम कनाटा, कनाटा का इट मीन्स विलेज, इन द लैंग्वेज ऑफ द होरियंस इरोक्वेस एज हेयर्ड बाय द एक्सप्लोरर जैकस कार्टियर इन 1535 में जो कनाडा जो कंट्री है उसका नाम कनाटा से लिया गया है। और कनाटा का मीनिंग क्या होता है, विलेज होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, 16th सेंचुरी नेम फॉर द लैंड इन द ग्रेट साउदर्न ओशियन, ऑस्ट्रेल इज लैटिन फॉर साउथ। साउदर्न ओशियन के आसपास वाले एरियाज में जिसका मीनिंग है, ऑस्ट्रेलियन का मीनिंग जो लैटिन में होता है वो होता है साउथ। तो इट मीन्स साउदर्न ओशियन के आसपास जो जगह थी उसका नाम रख दिया गया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों रखा गया, क्योंकि जो साउथ होता है उसका लैटिन में मीनिंग क्या होता है, ऑस्ट्रेल होता है, या ऑस्ट्रेल का मीनिंग होता है लैटिन में साउथ। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की, नेम गिवन बाय द तस्मान ऑफ होलैंड हु वाज द फर्स्ट टू साइट दीज आइलैंड्स इन 1642। जी इज डच फॉर सी। इट मीन्स देखो, सबसे पहले हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था, तस्मान थे होलैंड के, जो कि क्या थे, उन्होंने सबसे पहले इस आइलैंड को देखा था। कब देखा, 1642 1642 ईस्वी में, और उन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, न्यूजीलैंड। अब जो जी वर्ड आया है वो सी के लिए यूज़ किया जाता था। सी के लिए यूज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यू वर्ल्ड की बात हो रही है, तो न्यूजीलैंड इट मीन्स न्यू, और जी का मीनिंग वहाँ पर डच जो लोग थे वो सी से लगाते थे। सी से लगाने का मतलब यही है कि जी इट मीन्स सी, और लैंड इट मीन्स की धरती जो होती है। तो ज्योग्राफिकल जो डिक्शनरी है, लिस्टेड ओवर 100 प्लेसेज नेम इन द अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया विच बिगन विद न्यू। तो जो हमारी ज्योग्राफिकल जो डिक्शनरी है उसमें मेनली जो लिस्ट बनी हुई है उसमें कह सकते हैं कि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है उनके लिए जो जब उनका नाम स्टार्ट किया जाता है तो उसका नाम स्टार्ट किया जाता है न्यू के साथ। अब हम इसमें देखते हैं मेनली कि जो सेटलर्स हैं और जो नेटिव्स हैं उनका मीनिंग देखते हैं। द वर्ड सेटलर इज़ यूज फॉर डच इन साउथ अफ्रीका। सेटलर्स का मेनली जो यूज़ किया जाता था वो डच लोगों के लिए किया जाता था साउथ अफ्रीका में, एंड ब्रिटिश लोगों के लिए आयरलैंड में, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियंस इन अमेरिका। सेटलर्स का मीनिंग वही होता है कि जो बाहर से आकर लोग वहाँ पर बस जाते हैं और वहीं पर रहने लग जाते हैं, तो इट मीन्स दे आर सेटलर्स। उसके बाद नेटिव पीपल कौन होते हैं, द नेटिव पीपल लेड ए सिंपल लाइफ। नेटिव पीपल अपने सिंपल लाइफ बीते हैं, दे डिड नॉट क्लेम फॉर देयर राइट्स ओवर लैंड, और कभी भी उन्होंने अपना जो ज़मीन थी उसके ऊपर कह सकते हैं कि अपना जो अधिकार था वो कभी भी नेटिव पीपल्स ने नहीं जताया था। तो इस प्रकार से हम नेटिव और सेटलर्स दोनों का ही अगर मीनिंग देखें तो इट मीन्स सेटलर्स जो बाहर से आकर बसे हुए हैं, नेटिव पीपल जो कि उसी के निवासी हैं, उसी जगह के निवासी हैं जहाँ पर कि उनका जन्म हुआ है, और जो कभी भी इस चीज़ को नहीं शो ऑफ करते कि जो ज़मीन है वो उनकी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज़ कीजिए। ओके, थैंक यू।